this is fungus. And out of 148,000 species of fungus, some causes and most embarrassing itching infection is vaginal fungal infection. और इस इंफेक्शन में आपको ये और ये सारे सिम्टम्स होंगे. इस इंफेक्शन में बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है और ये इचिंग बेसिकली वल्वा और वल्वा और एनल ओपनिंग के बीच की जो जगह होती है वहां होती है. जो वल्वा और वेजाइना का एरिया है ये पूरी तरीके से रेड और स्वेलन आपको दिखेगा और जो वल्वा में आउटर और इनर लिप्स होते हैं इसमें आपको क्रैक्स भी मिल सकते हैं. इस कंडीशन में इतना इन्फ्लामेशन होने के कारण जो रेडनेस स्वेलिंग और क्रैक्स होते हैं तो आपको सेक्स के दौरान काफी पेन होगा स्पेशली एट द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन. इस कंडीशन में जो डिस्चार्ज है वो आपको फटे हुए दूध या फिर दही की तरह दिखेगा लेकिन ये जो डिस्चार्ज है ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी का होता है जिसके कारण कई बार ये विजाइना के अंदर ही थिक कोटिंग बना करके प्रेजेंट होता है लेकिन अपने थिक कंसिस्टेंसी के कारण ये बाहर नहीं आता तो मे बी बहुत बार आपको लगेगा कि कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है. इस कंडीशन में आपको यूरिन पास करते वक्त या फिर लास्ट में जब यूरिन के कुछ ड्रॉप्स आपके वल्वा पर गिरेंगे तो आपको काफी जलन महसूस हो. इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है. अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो फ्लुकोनाजोल के एक सिंगल शॉट से आपको ट्रीट किया जा सकता है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली फ्लुकोनाजोल से ट्रीटमेंट अवॉइड किया जाता है और सिर्फ आपके सिम्टम्स जैसे कि बहुत ज्यादा इचिंग अगर हो रही है तो इसे कम करने के लिए आपको मेडिकेशन दी जाती है. अगर आपके पार्टनर को सिम्टम्स आ रहे हैं सिर्फ तभी आपके पार्टनर को ट्रीटमेंट की जरूरत है अदरवाइज उन्हें ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है.